बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके के भोरगढ़ में जूता फैक्ट्री में लगी आग। आग फैक्ट्री की तीनों मंजिलों पर लगी। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां आग बुझाने में लगी है। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पूरी बिल्डिंग भी गिरने के कागार पर है। आगरा के थाना सैया के गांव नगला छारी तेहरा में दो पक्ष छोटे लाल और सुनहरी लाल आमने सामने आ गए, जिसमें मारपीट और जमकर लाठी डंडे चले। इस झगड़े में दोनों तरफ के लोगों को गंभीर चोटें आई। लकड़ी बंगूर का पेड़ था, तो लकड़ी मतलब चबाने के लिए लकड़ी तोड़ी। कहता है सारी मेड़ काट लूं, वो कहता है पूरी मेड़ मेरी है, ये पूरी मेड़ काटना चाहता है। आगरा होटल आईटीसी मुगल में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, सांसद सदस्य डिंपल यादव जी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसमें दुनिया भर के 28 लाख भारतीय अपना कौशल दिखा रहे हैं। इसमें यूपी के भी तमाम लोग हैं। वह लोग अपने गृह जनपद में निवेश करना चाहते हैं। जहाँ दुनिया में तमाम देश ऐसे हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट चाहते किया है, ऐसे ही प्रदेश भी बहुत है उत्तर प्रदेश में के बाहर भी जो चाहते हैं कि उनके प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो। तो ये हमारी कोशिश है कि जहां लोगों को जोड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ करके अगर वो कुछ पॉलिसीज में, कुछ कार्यक्रमों में शामिल होकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो उनका हम स्वागत करेंगे। मुझे खुशी इस बात की भी है कि यूसुफ साहब ने जो इतना बड़ा फैसला लिया आज, उन्होंने कहा कि अगर समय पर जगह उपलब्ध हो जाए और सरकार की पॉलिसी अगर है तो हम 2,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं, चाहे वो रिटेल हो चाहे फूड बिजनेस। ममता को शर्मसार करने वाली फिर एक घटना उजागर हुई। उल्हास नगर में सरकारी अस्पताल के पास सड़क पर बच्चे को जन्म देने के बाद निर्दयी मां फरार हो गई, जिसे पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए फिर बच्चे को हमने हमारे जो NICU विशेष नवजात कक्ष है वहाँ एडमिट किया। दूसरे दिन 30 तारीख को सवेरे 9:45 के करीब महिला वैष्णवी इस रुग्णालय से निकल गई है, भाग गई है, एब्सकॉन्डेड है। बच्चा एडमिट था, आज की तारीख में बच्चे को हमने डिस्चार्ज कर दिया है। महिला जब इस रुग्णालय से निकल कर गई है, वही टाइम तुरंत हमने पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दे दी थी और पुलिस प्रशासन उनकी तरफ से कार्रवाई उनके लेवल पे कर रही है, ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त है। आगरा में प्रथम प्रवासी दिवस सम्मेलन का आगाज रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए कलाकारों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान की गायकी रही। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद दिल्ली के रोहिणी में कई संगठनों ने किया पाकिस्तान का विरोध। पाकिस्तान के झंडे जलाए और पाकिस्तान के पुतले फूके। पाकिस्तान का विरोध करने वाले अधिकतर मुस्लिम लोग थे। इसके बाद पठानकोट के शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ नमाज अदा की गई। पठानकोट में जो आतंकी हमला हुआ है उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है। हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर। ये लोग हमेशा पहले कारगिल युद्ध किया इन्होंने, उसके बाद बॉम्बे कांड किया, उसके बाद यहाँ संसद भवन कांड, और ये कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट क्यों इनसे बात कर रही है? रास्ता बंद करे, पूरा बॉर्डर क्लोज करे। इन लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो आतंकी सरगना है वो वहाँ पर VIP कैटेगरी में रह रहे हैं, उनको Z+ सिक्योरिटी दी हुई है। तो पाकिस्तान क्यों उनको नहीं रोकता है? पाकिस्तान कहता है कि सबूत दो। कैसे सबूत चाहिए पाकिस्तान को? सारे टेररिस्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से यहाँ आकर के अटैक कर रहे हैं, कितने लोगों को मार रहे हैं। हमारे 7 जवान शहीद हो गए और ये हिंदुस्तान कब तक बर्दाश्त करता रहेगा इन चीज़ों को? बुंदेलखंड में फैली बदहाली और भुखमरी पर सियासत तेज होती जा रही है। कांग्रेस इसी को अपना मुद्दा बनाकर बुंदेलखंड में अपना वजूद जमाने की कोशिश में लग गई है। प्रदेश कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि यहां भुखमरी के बाद अकाल के हालात बन रहे हैं। मुंबई में जैन मुनि रतन सुंदर सुरीश्वर महाराज जी ने 300 किताब लिखी है, जिसे नाम दिया गया है मेरा भारत महान। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किताब का विमोचन किया गया।
बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा नदी में आज गृह क्लेश से तंग आकर एक महिला ने पुल से कूदकर जान देने की कोशिश की। तभी गंगा तट पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती के कार्यक्रम की कवरेज कर रहे CEN न्यूज टीम मोटर बोट में सवार होकर महिला को बचाने गंगा की तेज धार में पहुंच गई। गंगा की उफनती धार के बीच महिला को सुरक्षित बचा लिया गया। मेरठ में NH-58 पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में 3 मौतों से नाराज आज बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर हंगामा किया और टोल अधिकारियों को घेर लिया। इन घटनाओं में टोल कर्मियों की लापरवाही बताई। फैजाबाद में सऊदी अरब में धर्म गुरुओं को फांसी दिए जाने और पठानकोट में आतंकी हमले के विरोध में आज फैजाबाद के शिया मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन जुलूस निकाला। विरोध प्रदर्शन जुलूस में मुस्लिम महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। ये दहशतगर्दी के खिलाफ ये जुलूस निकाला गया है क्योंकि आज सारी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी ने अपने जो है पंजे बड़े मजबूती से गाड़ रखे हैं और मुख्तलिफ ममालिक में जो है ये दहशतगर्द जो है वो खून रेजी कर रहे हैं और बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं और बेगुनाहों का कत्ल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा जुर्म है और बहुत ही बड़ा गुनाह है और इस्लाम कतान जो है इसकी इजाज़त नहीं देता है। आगरा थाना एतमोहल्ला के नगला बिहारी के पास बनी सैयद बाबा की दरगाह पर थाना इंचार्ज ने मारा जुए के फड़ में छापा। छापे के डर से दरगाह पर रह रहे युवक ने यमुना में छलांग लगा दी जिसमें उसकी मौत हो गई। मैंने अभी अधिकारियों को बताया है और अभी और उनसे वार्ता करेंगे, जो भी जनता चाहेगी, भी उनके भाई से भी बात हुई तो निश्चित रूप से जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई के लिए मैंने SSP साहब को भी फ़ोन किया, SP City को भी फ़ोन किया और अभी जाके फिर बात करते हैं और जो भी जायज़ बात होगी जो उन पर कार्रवाई करा देंगे। उमरिया जिला के मानपुर तहसील के किसान सूखा राहत राशि पाने के लिए कलेक्टर के चक्कर काट कर हो रहे हैं परेशान। उनकी फरियाद सुनने को कोई तैयार नहीं है। इस मामले पर जब जिले के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। हमने भटक रहे हैं, जिनके पास मतलब 6 हेक्टेयर जमीन है उनको भी 2000 मिल रहा है, जिसके पास जमीन नहीं है उसको भी 10000, उसको 10000 मिल रहे हैं। तहसीलदार सर SDM उनके पास गए तो उन्होंने बोले जो बन चुका वो बन गया, आप ये भटकने वाला काम न करो। सर ये हमने कलेक्टर साहब से सिर्फ शिकायत करने के लिए आए हैं सर। हमारे को 1 रुपये का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। क्या बोले? पटवारी साहब के पास भी गए और RI साहब को बोले तो भी बोल दिए कि जो बनना था बन गए और ये पटवारी पास गए तो कहने अभी कुछ आप खर्चा रखे हो, हम बोले कि हमारे पास खर्चा पैसे नहीं है। निचले स्तर से लेकर जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों के प्रति पूर्णतः उदासीन है, जिसके कारण पूरा सरकारी अमला जो है अनियंत्रित है और अगर निचले स्तर पर लोगों को न्याय मिलता तो इतनी बड़ी भीड़ कलेक्ट्रेट में शायद ही देखने को मिलती। जनप्रतिनिधि वास्तव में जनता के सेवक बनकर जनता के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को जानें, उनका निराकरण कराने का प्रयास करें और प्रशासन तंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत बनाएं तो निश्चित ही लोगों को और बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। नौगांव कस्बे के नेगुआ में चतुर्भुज मंदिर के पुजारी का आरोप है कि मंदिर की जमीन के सूखा राहत राशि के मुआवजे की रकम दूसरे व्यक्ति ने छल करके अपने बैंक खाते में डलवा ली, लेकिन जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वह भगवान को लेकर पहुंचा कि शायद भगवान की ही सुनवाई अधिकारी कर ले। समस्या थी मान जी, भगवान जी की जो मूर्तियाँ हैं वो फेंक दी गई, तो उसे मंदिर बनवा करके मैंने रखा। श्रीमान जी जो मुआवजा निकला है उसका दूसरे पुजारी ने निकाल लिया है। श्रीमान जी इसलिए सुना नहीं आया हूँ, कई बार आ चुका हूँ, मेरी नहीं सुनी, तब मैं भगवान लेकर के आया हूँ। किसके पास आया? कलेक्टर साहब के पास। वाराणसी में पठानकोट में आतंकी हमले में शहीद जवानों की याद में शहर में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया और भारत माता मंदिर से IP सिंगरा तक गए। शहीदों की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्तियां जलाई गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। आज विद्यापीठ के समस्त छात्रों ने पठानकोट एयरबेस पे मारे गए शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं सत्सद नमन किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ भारत माता मंदिर से IP माल तक कैंडल मार्च किया जा रहा है। ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख के ढाढ़स बनाने की शक्ति मिले और हम भारत सरकार से अपील करना चाहते हैं कि उनके परिवार को उचित सहायता प्रदान की जाए और साथ ही साथ अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से को कहना हम चाहते हैं कि आपकी साजिश हम नाकाम करते रहेंगे और हम डरेंगे नहीं और
आप होश में आ जाइए, क्योंकि जिस दिन हम आग बबूला हुए तो ये पाकिस्तान हमारे देश में आ जाएगा। पठानकोट में बीते दिनों हुए आतंकी हमले के बाद से ही देश में पाकिस्तान विरोधी नारे बुलंद होने शुरू हो गए हैं, और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के संकट मोचन तिराहे के पास मानवाधिकार जनशक्ति पार्टी द्वारा पाक के पीएम नवाज शरीफ का पुतला दहन कर विरोध जताया गया।